नमस्कार, मैं श्रीलाल अग्रहरी, खबर 7 से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र यादव ने सोमवार दोपहर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान जिले के कई सपा विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा आजमगढ़ लोकसभा सीट से त्याग पत्र देने के चलते यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में थे। वहीं भाजपा ने भोजपुरी सिनेमा स्टार दिलेश लाल यादव को मैदान में उतारा था। उस चुनाव में अखिलेश ने जीत दर्ज कर ली थी। अब उपचुनाव में भाजपा ने एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताया है। निरहुआ ने भी सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया।